बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अंदावा चौराहे पर। यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज जो है धम्म यात्रा निकाली गई है। यहाँ पे जो है बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जो है धम्म यात्रा निकाली जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज धम्म यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह से हम आपको पल पल की वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पे हुजूम जुड़ा है बौद्ध अनुयायियों का, ये देख सकते हैं आप। लगातार जो है राष्ट्रीय बौद्ध बुद्ध सेवा संस्थान के तरफ से यहाँ पे धम्म यात्रा निकाली जा रही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों लोग यही म्यूजिक बजता रहेगा, जो माइक चालू करने के लिए बोला जाएगा थोड़ा सुना सा, ठीक है। और सभी लोग जैसा कि तथागत बुद्ध के जो पांच सील हैं, उस सील के अनुसार ही सभी लोग एक लाइन कतार पर ऐसा लगना चाहिए कि यह शोभा यात्रा जो है आज इन बुद्ध अनुयायियों का है, यह महसूस होना चाहिए लोगों को। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धम्म यात्रा का उद्देश्य हम लोगों का ये रहा कि जैसा कि विदित है कि भगवान बुद्ध की 250वीं जयंती, जिसको तीपावनी महोत्सव, स्वागत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा देश मनाता है, उस महापुरुष की यादगार में आज हम लोग शोभा यात्रा उनके सम्मान में निकाल रहे हैं। और यह शोभा यात्रा इस चौराहे से जाकर जो है झूंसी गेस्ट हाउस में समाप्त होगी। जैसा भगवान बुद्ध का संदेश था, समता समानता, मानवता, भाईचारा, करुणा, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, वह उद्देश्य है कि हम लोग भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यात्रा का शुभारंभ कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। भगवान बुद्ध के ये सिद्धांतों को, भगवान बुद्ध ने जैसा एक इंसानियत, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का संदेश दिया था, उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं को प्रचार प्रसार के लिए आज एक धम्म यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है जातिवाद समीकरण देखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी बड़े बड़े मंचों पे जाकर कहते हैं, जब यहाँ तो नहीं बोलते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, सब बोलते हैं। और समय आने पर सब बोलेंगे, जिसकी सत्ता रहती है उसका धर्म फलता फूलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से है, उनकी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, तो आज बात कर रहे हैं। मगर जब लोकतंत्र वोट लेना होता है, भगवान बुद्ध की लोग बात करते हैं। जब मोदी जी भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं हमने आपको बुद्ध दिया है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो राम की बात करते हैं। यही उनके कथनी करनी में अंतर है। अभी उन्होंने जो है देश के पहले प्रधानमंत्री का यह पद उनको प्राप्त हुआ, तो उनके जन्म स्थान के भागीदारी को मानने वाले लोग शांति का परिचय देते हैं और
विश्व को पुनः मानवतावादी बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जैसा कि तथागत बुद्ध ने चाहा है कि पूरा विश्व मानवतावादी हो।